दोस्तों आज के एपिसोड में आपको बताने वाला हूँ बालों पर लगाने वाले मेहंदी के गजब फायदे। जी हाँ, अब ये बातें सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे और जो लोग मेहंदी लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते आज के समय पर, वो भी मेहंदी लगाना शुरू कर देंगे, क्योंकि मेहंदी जो है काफ़ी लंबे समय से चलती आ रही है। तब तो कलर्स भी नहीं होते थे, लेकिन क्या क्या फ़ायदे इसके, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। दोस्तों वैसे तो मेहंदी के बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं, मेहंदी ज़्यादातर वो लोग लगाते हैं जिनके बालों में सफ़ेद बाल होते हैं, पर क्या आप ये जानते हैं कि आपके बालों के लिए मेहंदी सबसे अच्छे विकल्पों में से एक है? इसलिए क्योंकि यह एक प्राकृतिक बालों को रंगने वाले एजेंट और कंडीशनर की तरह काम करती है। आप लोगों को बता दें कि अगर आप बालों को झड़ने या गंजापन से परेशान हैं तो जान लें कि मेहंदी आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आप अपने झड़ते बालों को और गंजेपन को दूर कर सकते हैं। आपको सबसे पहले कटोरे में मेहंदी लेनी है, उसके बाद उसमें थोड़ा सा दही डालें और अच्छे से मिला लें और इसे अपने बालों पर अच्छे तरह से लगा लें और फिर 3 से 5 घंटे बाद इसे धो लें। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कुछ लोग मेहंदी का इस्तेमाल अपने सफ़ेद बालों को छुपाने के लिए करते हैं, पर आप लोग ये नहीं जानते कि मेहंदी बालों को रंगने के साथ साथ उनकी ताकत बढ़ाने और एक सुरक्षित डाई का प्रतिनिधित्व करती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बालों में गहरा रंग आ जाए तो आपको सबसे पहले एक लोहे का बर्तन, जी हाँ वही लाइन जो अक्सर आपको आपके बुजुर्ग बताते हैं, मेहंदी का लोहे का बर्तन लेना है और मेहंदी पाउडर में अंडा और शहद मिलाना है। इसके बाद इसे आप अपने बालों में लगा लें और फिर देखिए आपके बालों में गहरा रंग जरूर आ जाएगा। सो दोस्तों आज के एपिसोड में आपको पता चल ही गया कि मेहंदी लगाने के कितने सारे फायदे होते हैं। केवल वो सफ़ेद बालों को दूर नहीं करता, बल्कि मेहंदी तो पुराने बुजुर्ग तो ये भी बोलते थे अगर आपके कहीं घाव या खरोच भी आ गई है तो वहाँ पर भी आप मेहंदी जो है लगा लो, कुछ समय तो आपको दर्द करेगा लेकिन कुछ समय बाद वो भी दर्द गायब हो जाएगी। सो दोस्तों नई नई वीडियोस देखने के लिए हेल्थ केयर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और याद रखें बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आपको नई नई वीडियोस की अपडेट साथ ही साथ मिलती रहे।